मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ बरगवा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है। शराब के साथ अवैध शराब के कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त सूचना के आधार पर बरगवा पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए एसपी दीपक शुक्ला के निर्देश अनुसार बरगवा टीआई नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में जांच करने पहुंची पुलिस टीम ने मौके पर भोंडार निवासी श्याम नारायण तिवारी के कब्जे से 56 लीटर एवं गोंदवाली गांव के निवासी राजेंद्र कौल के कब्जे से 63 लीटर अवैध महुआ कच्ची शराब पाया गया, जिसे जब्त करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उक्त कार्यवाही में एएसआई सुरेंद्र यादव, एनपी सिंह, प्रधान आरक्षक पप्पू सिंह, रमेश रावत, रामचरण सतनामी, प्रवीण मलावी, आरक्षक राजकुमार सहित गठित पुलिस टीम की भूमिका उल्लेखनीय रही। पेश है सिंगरौली के संवाददाता उपेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट।